विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। असाई ट्रांसफार्मर से राम बारात देख लौट रहे दो युवक झुलसे। बता दें कि राम बारात के मौके पर कच्ची सड़क पर हुआ हादसा। अस्थायी ट्रांसफार्मर में आया करंट, दो युवक झुलसे, अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाल बाल बची जान। बताना चाहेंगे कि गुरुवार की रात थाना गोविंद नगर के कच्ची सड़क के समीप उस समय अफरा तफरी मच गई जब दो युवक रोड पर खड़े अस्थायी विद्युत ट्रांसफार्मर में आ रहे करंट की चपेट में आ गए, जिसके चलते हुए वहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग को सूचना दी, परंतु कोई भी विद्युत कर्मी मौके पर नहीं पहुंचा। जैसे तैसे लोगों ने दोनों युवकों को बचाया, परंतु उससे पहले दोनों युवक बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें आनन फानन में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि जिसको लेकर प्रत्यक्षदर्शी ने जानकारी देते हुए बताया है कि घटना लगभग रात्रि 10 बजे की है, जब कुछ लोग राम बारात देख कर वापसी इस रास्ते से गुजर रहे थे, तभी रोड के किनारे खड़े अस्थायी विद्युत ट्रांसफार्मर में करंट आ गया। क्या मामला हुआ, कहाँ की घटना? रात को 10 बजे करीब इसमें करंट आया था बड़ी जोर का, और पब्लिक आ रही थी राम बारात देख के, दो लौंडे यहाँ पे गिर गए और एक की खोपड़ी फट गई, हॉस्पिटल ले गए, एक को घर ले गए अपने, बाहर के थे, और कम से कम 100 आदमी यहाँ पे इकट्ठा हो गया, और हफ्ता भर से ऊपर हो गया, इसको हटाने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। जब भी जिस हिसाब से बात करते हैं, जब भी कहते हैं ट्रांसफार्म नहीं है, और कल यात्रा निकल रही थी, कलश यात्रा निकल रही थी, सुबह भी मैंने बंद कराया, करंट आ रहा था, उस टाइम पंडित मौजूद था लाइट वाला, और यहाँ पे बहुत परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो बात करें कहाँ की घटना है? कच्ची सड़क मुन्ना पान वाले के सामने, बिहारी जी का मंदिर। तो बिजली विभाग के अधिकारियों से आपने वार्ता की, उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या कहा? यही कही कल हम हटवा देंगे 12-1 बजे तक। तो उन बच्चों का उपचार करवाया गया, कहाँ इलाज करा रहे हैं? अपने मैया बाप इलाज करा रहे हैं उनके। तो कहाँ के बच्चे थे? बैरागपुरा गली नंबर 9, और एक बाहर का था, वो लगे हैं उसके मैया बाप लगे हैं, और खून मेरे सामने पड़ा हुआ है, अभी यहाँ पर दुकान के सामने अभी खून पड़ा हुआ है। कहाँ का मामला, क्या मामला हुआ? ये यहाँ का है। अपना नाम पहले बताइए। मेरा नाम सोम है। हाँ, ये कच्ची सड़क का मामला था जो भी था। हाँ जी, क्या क्या घटना हुई? कुछ नहीं, मैंने सामान लिया था अंकल जी की दुकान से, वहाँ से सामान लेके निकला ही था, मैंने हाथ तो उस पे रखा, मैंने समझा कि कोई DCM वगैरह खड़ी हुई है, तो उस पे हाथ रख दिया मैंने, तो उसके बाद में मुझे नहीं पता फिर क्या हुआ। अच्छा, तो झुलस भी गए? थोड़ा जल गया, पूरा जल गया।